व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर अगर आप अपने कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट्स के संग इंटरेक्ट करते हो सकता है आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हो या प्रोस्पेक्ट्स हो, तो कैसे उनकी प्रायोरिटीज, कैसे उनको आप अलग अलग सेगमेंट्स पे डिफाइन करेंगे कि ये प्रोस्पेक्ट्स हैं और ये हॉट क्लाइंट्स हैं, ये हॉट लीड्स हैं, या फिर ये हमारे कस्टमर्स हैं, अभी इनको आपको इम्पोर्टेंट कुछ नोटिफिकेशंस देने हैं, इनका कुछ पेंडिंग है, इनसे आपको कुछ मांगना है, इनको कुछ देना है, इनकी डिलीवरी पेंडिंग है, या और बहुत सारी चीजें, तो कैसे आप लेबलिंग कर सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप इजीली अपने बिजनेस को मैनेज कर पाओ, इजीली आप इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और इस तरीके से चीजों को अपने आप प्रायोरिटाइज कर पाओ। तो दोस्तों, उसके लिए लेबल का फीचर व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर होता है, बट उसको यूज कैसे करना है, उसके फायदे क्या है, सब कुछ आप सीखोगे इस कोर्स के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप लोगों के लिए व्हाट्सएप बिजनेस का फ्री कोर्स लेकर आया हूं, और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर नए 1000 वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहा हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं कराए तो, ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundals.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि लेबल्स क्या होता है, लेबल्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, लेबल्स कैसे लगा सकते हो, और इससे आपके काम की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं, क्लैरिटी रहती है, और आप अपने काम को, अपने कनेक्शंस को अपने कस्टमर प्रोस्पेक्ट के संग ज़्यादा बेहतर तरीके से बना पाते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर बिजनेस टूल्स में जा सकते हो, वहाँ पर भी जाके लेबल का ऑप्शन आता है और यहाँ पर भी लेबल्स का ऑप्शन आता है। तो जैसे हम लेबल्स पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर कुछ लेबल्स आ रहे हैं, न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड, ऑर्डर कंप्लीट। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप अगर इनमें से किसी भी लेबल को चेंज करना चाहते हो वो भी हम आपको सिखाएंगे, अगर आप न्यू लेबल क्रिएट करना चाहते हो वो भी सिखाएंगे। मान लो मैं यहाँ पर एक नया लेबल और बनाना चाहता हूँ, तो मैं प्लस के साइन पे जाऊंगा, यहां पर मैं लिख देता हूं रिटर्न ऑर्डर्स। ठीक है, यहां पर रिटर्न ऑर्डर्स, या मैं ओके कर देता हूं, मेरा लेबल पिंक कलर का रिटर्न ऑर्डर्स का बन गया। जो भी रिटर्न ऑर्डर्स आएंगे जिन भी कस्टमर्स के, उनको मैं यहां पर डाल दूंगा जिनके रिटर्न करवाने हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मेरे को कुछ एडिट करना है, न्यू ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर मैं इधर लिखना चाहता हूँ, ठीक है, या पेंडिंग ऑर्डर या पेंडिंग पेमेंट, ठीक है, तो कुछ भी अगर मेरे को चेंज करना है तो न्यू कस्टमर पे गए, यहाँ पर क्लिक करा थ्री डॉट्स पे, एडिट लेबल पे करा या चूज कलर पे करा, ठीक है, या अगर लेबल डिलीट करना है तो लेबल डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर एडिट लेबल करा, न्यू कस्टमर की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट टाइम बायर। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आपको जो रखना है आप रखिएगा। मेरे को कलर चेंज करना है, अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बायर्स कर देता हूँ, फर्स्ट टाइम बायर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद वापस चलते हैं, अब ये देखो मेरा फर्स्ट टाइम बायर्स हो गया बजाय न्यू कस्टमर्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसके नीचे एक और चाहूँ लेबल क्रिएट कर सकता हूँ, फर्स्ट टाइम बायर के बाद जो बंदा दोबारा बाय करते हैं आपसे, तो वो आपके रेगुलर कस्टमर्स हो गए, तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ मैं डालता हूँ रेगुलर कस्टमर्स, ओके करा, और कलर आपको चेंज वेंज करना है वो आप कर ही सकते हो जैसे आपको बताया था। तो अब ये चीज़ जो आप देख रहे हो ये आप अपने हिसाब से बनाओ। तो अब लेबल्स में क्या है, वापस चलते हैं। अब मान लो ये मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, मान लो ये जो बंदे हैं आनंद, इसको मैंने ये मेरे इन्होंने मेरे से पहली बार कोई चीज़ बाय करी, तो मैंने इनको सेलेक्ट करा और ये लेबल का निशान आ रहा है टॉप में, ये इसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फर्स्ट टाइम बायर, उसमें से एक है मेरे। ठीक है,
तो ये मैंने इनको एक लेबल दे दिया। अब मान लो यहाँ पर एक पर्सन है जी सुनील जी, ये मेरे रेगुलर कस्टमर है। यहाँ पर मैंने करा जी ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। तो इस तरीके से हम लेबल दे रहे, तो यहाँ पर अब आपको क्लैरिटी आएगी चीज़ों की। अब लेबल्स में यहाँ पर फर्स्ट टाइम बायर के अंदर भी मेरा एक आइटम है, रेगुलर कस्टमर में भी है। मैं देखता हूँ जी मेरे फर्स्ट टाइम बायर, अच्छा ये है। अब इसमें जितनी लिस्टों की मेरे को दिख रही है, ठीक है, ऐसे करके काम कितना आसान, इजी और हैंडी हो गया। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो आसानी से लेबर के थ्रू, लेबल्स के थ्रू, और ये आपकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करता है। कहने को छोटा सा फीचर है बट बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं आप। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग डायरेक्ट मुझसे लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों हमने आप लोगों की डिमांड पे एक डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी स्टार्ट करी है, जिसपे कि आप हमारे संग ज्वाइन हो सकते हो। उस पे आप डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल से संग कनेक्ट होगे। वहां पर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज दे सकते हो, वहां से डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज ले सकते हो। तो ये कम्युनिटी डिजिटल मार्केटर्स के लिए है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तुरंत उसको ज्वाइन कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल जो नॉलेज है लोगों पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।